आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्पल महत्व आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सवाल आपके सामने ये रहा, एबीसी ने 40,000, 48,000, 48,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट किए एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। शुरू साल के शुरुआत में इतने इतने रुपए लगाए, 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ और द रिमेनिंग टाइम, बाकी बचे हुए टाइम के लिए, मतलब 6 महीने तक तो यही रहा इन्वेस्टमेंट, बाकी बचे हुए टाइम के लिए उन्होंने क्या किया? 4,000 रुपये, ए ने 4,000 रुपये और बी ने भी 4,000 रुपये और सी ने भी 4,000 रुपये, लेकिन ए और बी ने ऐड किए एवरी मंथ और सी ने विड्रॉ किए एवरी मंथ, ठीक है, 4,000 रुपये। तो आपने बोला 4,000 की बात हो रही है, 40 की बात हो रही है, 48 की बात हो रही है, 80 की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं जितना भी डेटा इन सबका एचसीएफ कितना, 4,000 रुपये, ठीक है। तो 4,000 रुपये एक यूनिट की बात हो गई। आपने बोला इसका मतलब ए ने 10 यूनिट पूरे 12 महीने लगाए, बी ने 12 महीने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतने तो लगाए, उसके अलावा उसने 1 यूनिट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। ये क्या करा मैंने, मैंने 10 यूनिट तो पूरे 12 महीने लगाए लगाए, उसके अलावा 4,000 रुपये 1 महीने के लिए, 4,000, 4,000, 8,000 रुपये हो गए दूसरे महीने के लिए, 4,000, 4,000, 12,000 रुपये, फिर 16, इस तरीके से बढ़ते चले गए 6 महीने तक। अगले वाले ने 12 यूनिट थे, 12 महीने के लिए लगाए और सेम चीज ऐड करी। अभी ऐड कर रहे हो कितना आ रहा है, 10 और 20, 21। यानी आपने बोला कि इधर 120 प्लस 21, 141 यूनिट ए ने लगाए, 144 प्लस 21 यानी 165 यूनिट बी ने लगाई, 20 यूनिट, 20 कहां से आ रहा है, 80,000 को क्या बोलते हैं, अगर 4,000 का एक है, मतलब मैंने 4K को एक यूनिट मान लिया, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 20 यूनिट, 20 पूरे 12 महीने लगी, अब की बार माइनस कर दिया, यानी 240 में से 21 चले गए, 219 यहाँ लगाई। तो हमारे हिसाब से ए ने 141 लगाई, बी ने 162, सी ने 219। दोबारा से बता रहा हूं मैं क्या हो रहा है। बात यह है कि 4,000 रुपये का आपने एक यूनिट मान लिया, ए ने 40,000 रुपये यानी 10 यूनिट पूरे 12 महीने लगाए, बी ने 12 यूनिट पूरे 12 महीने लगाए, सी ने कितना था, 80,000 यानी 20 यूनिट पूरे 12 महीने लगाए, लेकिन यहां पर 6 6 महीने के लिए कुछ झोल हो रहा है। 6 महीने में क्या हो रहा है कि मतलब जैसे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 7वें महीने में इसने एक यूनिट और लगा दी, 8वें महीने में एक यूनिट और, तो एक यहां पे थी तो 8वें महीने में आपकी एक यूनिट बढ़ गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, और इन सबको आप एक एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से बढ़ता है। तो आपने बोला इसका मतलब है ये 21 यूनिट है, तो इसमें 21 यूनिट और इसमें 21 यूनिट ऐड होगी और इसमें 21 यूनिट सब्ट्रैक्ट होगी। तब जाके मेरे को पता चला कि 141 और ये इतना 200, 200, 206 और यहाँ पर 6, 200, 225 और यहाँ पर 300, कितना आएगा, 300, 306 और हाँ तो यहाँ पे 525, एक बार चेक कर लें 10 करके, हाँ 525, तो 525 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 672 कितना, और पूछा कितना है आपसे, इसने बोला जी भाई साहब आप सी का शेयर निकालो, यानी आपसे 219 की वैल्यू पूछी है, तो 219 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, 525 इंटू 672 000। आपको इतना समझ में आ गया कि ये जो है मन से थोड़ा फालतू आएगा ना, तो 219 से तो ज्यादा ही आंसर आना चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, डी ऑप्शन, ठीक है। और प्रॉपर कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हो कि 219 672 000 और 10 और डाल दो, और नीचे किससे कर रहा था, 525 से, 25 यहाँ पे 4, अगर 25 से काटोगे 2 और 1, अब यहाँ पे काटो यहाँ पे 3 और 2, 320, तो यानी कि 219 इंटू 320 इंटू 4 करोगे तब भी ऑप्शन डी आ जाएगा। पॉइंट क्या है वो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, कई लोगों को इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आई होगी, कई लोगों ने बड़े आराम से एक्सपेक्टेड है कि शायद इस टाइप की कैलकुलेशन आपके मेंस में भी आएगी, अपकमिंग में आएगी तो आप फोड़ दोगे। थैंक यू सो मच, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से और क्वेश्चंस निकाल के और
को आप मुझे बता दो। सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय बाय। मुझे मत समझा। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ ना तो नेगेटिव में जाता है। यही अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता तो पॉजिटिव में आता है। डोंट यू टीच मी मैथ। ओके।